दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से जय श्री केदार। दोस्तों आज 11 जुलाई है और आज मैं आपको केदारनाथ धाम और हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक क्या स्थिति है इन सब की सारी जानकारियां देने वाला हूं। और दोस्तों साथ ही आपको ये भी जानकारी देने वाला हूं कि अभी यात्रियों की संख्या कितनी है और केदारनाथ धाम में मौसम कैसा है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि वहाँ के मौसम के बारे में। दोस्तों अभी केदारनाथ धाम में बारिश हो रही है लेकिन यात्रा किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है। यात्रियों की संख्या भी बहुत कम है, कम से कम 8 से 10 हज़ार श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और सावन का महीना है इसलिए थोड़ा हरिद्वार से लेकर नीलकंठ महादेव तक थोड़ा सा रास्ता जाम चल रहा है, उसके अलावा कोई भी परेशानी नहीं है। ये खासकर सोमवार को होता है और उसके अलावा बाकी दिन तो नॉर्मल ही रहता है। दोस्तों आजकल आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, बस बारिश से बचने का सामान लेकर जरूर जाएं। और साथ ही आपको बता दूं कि यात्रा पर जाने से पहले अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, अन्यथा आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है क्योंकि बिना यात्रा रजिस्ट्रेशन के यात्रा नहीं करने दिया जाता है, ना ही आपको दर्शन करने दिया जाएगा। और दोस्तों हरिद्वार से लेकर केदारनाथ धाम तक किसी भी तरह से रास्ता बंद नहीं है और पूरी तरह से रास्ता चालू है। दोस्तों केदारनाथ धाम में वैसे तो बारिश हमेशा होती रहती है लेकिन अभी बारिश की जो मात्रा है थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं हो रही है कि यात्रा किसी भी तरह प्रभावित हो। दोस्तों अगर आप भी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, बस आप बारिश से बचने का साधन जरूर लेकर जाएं। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों अभी मैंने लास्ट वीडियो डाला था 6-7 दिन पहले, तो मैं घर पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, नहीं तो मैं 2 से 3 दिन में वीडियो ज़रूर डालने वाला था। दोस्तों अब आपको हर दूसरे तीसरे दिन में एक वीडियो ज़रूर मिलता रहेगा।